डेली सुबह फुटबॉल से प्रैक्टिस करने के बाद सबसे ज़रूरी होता है कि आप अपने शूज़ को इस तरीके से सुखा दें, वरना सबसे बड़ी दिक्कत ये आएगी कि आपका शूज़ फटना चालू हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ से फट जाएगा, इसका भी वही हालत है, ये भी किनारे से फट चुका है, इसका भी वही हालत किनारे से फट गया है। ये जूता तो खैर बहुत टाइट होता था, इसलिए ज़्यादा दिन मैं इसको पहन नहीं पाया, और ये जूता का भी वही हाल, गीला रहने की वजह से सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि जूता कड़क हो जाता है और फट जाता है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपको अपने जूतों को धूप में नहीं सुखाना है इस तरीके से। अगर अगर आप धूप में सुखाएंगे तो ये बहुत जल्दी कड़क हो जाएगा और फट जाएगा। एंड सबको यही लगता हो कि फुटबॉल खेलना कोई ज़्यादा महंगा खेल है नहीं, लेकिन जब आप इसे खेलेंगे तो आपका जूता का जो कॉस्ट है बहुत ज़्यादा हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक एक जूता जो मैंने लिया है आपको दिखाता हूँ। ये वाला जूता तो जस्ट अभी लिया हुआ है, तो इसका दाम मुझे याद है, करीब 2000 रुपये का जूता है। ये करीब 2500-2600 का था, ये करीब 3000 करीब का था, ये 3500 का है, और ये करीब 2500 का जूता है। तो आप बिल्कुल अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना महंगा है या सस्ता है। वो पर्सन टू पर्सन डिफ़र करता है कि लोग किस तरीके से इसको सोचते हैं, कि फुटबॉल में करीब 12-15 हज़ार इन्वेस्ट करना। और हाँ, ये जो भी जूते हैं मेरे, ये करीब आई थिंक 1.5 साल में मैंने इस्तेमाल किए हैं। और ये ऐसा नहीं है कि आप नाइकी से खेलेंगे ही तो आपका गेम अच्छा होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जो फिटिंग है साइज़ का वो कैसा है, सबसे इम्पॉर्टेंट यही। अगर आप अपने जूते में कंफर्टेबल नहीं है तो आप बिल्कुल भी फुटबॉल नहीं खेल पाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट खेल पाएंगे, उसके बाद आपका पैर बहुत ज़्यादा दर्द करने लगेगा। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि साइज़ क्या है, ना कि ये नाइकी है, एडिडास है या प्यूमा है। चलिए मैं आपको नॉन ब्रांडेड शूज़ अपने दिखाता हूँ, जो कि नाइकी एडिडास नहीं है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है खेलने में, लेकिन एक मन की शांति नहीं रहती है कि ये जूता मेरा टिकेगा कि नहीं टिकेगा, तो इसलिए जनरली मैं शूज़ ले लेता हूँ। हालांकि ये शूज़ जो नॉर्मल नॉन ब्रांडेड शूज़ हैं उससे करीब डबल टाइम तक चल जाते हैं। सो ये मेरा एक सेगा का जूता है, जो ऐसा कोई बड़ा ब्रांड नहीं है, लेकिन इसके कम्फर्ट लेवल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मेरा जो मेरा पैर है वो बहुत ज़्यादा वाइड है, तो उसके लिए मुझे ये पोर्शन काफ़ी वाइड चाहिए होता है, ये पोर्शन काफ़ी वाइड चाहिए होता है, जो कि जनरली नाइकीज़ या एडिडास प्रोवाइड नहीं करते। हाँ, प्यूमा के शूज़ थोड़े वाइड फुट होते हैं, लेकिन आज तक मैंने प्यूमा का शूज़ कभी लिया नहीं है। थोड़ा नहा क्या, अब थोड़ा अच्छा दिख रहा हूँ। मैं जब 20-21 साल का था तो मुझे ऐसा लगता था कि दुनिया की सारी खुशी अपने दोस्तों के साथ ही, जो हमारे दोस्त करते वही मैं करूं। और उस समय सबसे पॉपुलर कैटेगरी था हमारे दोस्तों के बीच बाइक, जो कि 11th के आसपास आते आते कुछ दोस्तों ने ले लिया था, लेकिन मुझे नहीं मिला। और ये करीब आज से 5 साल पहले की, 5 साल नहीं कहूँगा, 7 या 8 साल पहले की बात है, जब सबसे पहले मेरे एक दोस्त के पास अपाचे 180 आया, और उसके बाद एक और ने R15 ले लिया। तो काफ़ी मन होता था कि काश मेरे पास भी ये चीज़ होते, लेकिन क्या कर सकते। हालांकि इस ट्रेंड का जो छोटे बच्चों में बाइक चलाने की जो इच्छा होती थी, वो मेरे दोस्तों में खुद से चालू नहीं हुई थी, ये हुई थी और कुछ बड़े भैया लोगों को देखकर, जिनके पास काफ़ी अच्छी अच्छी बाइक थी। और सबसे पहला क्रेज़ उस टाइम आया था पल्सर 180 ब्लैक एडिशन, जो मेरे ख्याल से पूरे बाइक इंडस्ट्री में सबसे पहले ब्लैक इंजन के साथ बाइक आई थी, जो अपने आप में अलग ही कूल दिखती थी। उसमें अलॉय व्हील्स भी शायद मैंने पहली बार देखे थे, ब्लैक अलॉय व्हील्स, जो क्या तबाही दिखते थे।
जो पेड़ आपने अभी देखा ये मैंने क्रिसमस के लिए बनाया था। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बस, ये पॉइंटेड एरियाज में यहाँ पे छोटे छोटे थर्माकोल के जो बॉल्स आते हैं उसको लगाते जाओ। और जैसे ही बाइक का क्रेज़ चालू हुआ तो करीब मैं टेंथ इलेवेंथ में था, उससे पहले मुझे बाइक्स अच्छी लगती थी लेकिन कभी उसे ओन करने का सोचा नहीं था। लेकिन ये जो बाइक आप देख रहे हैं ये करीब कॉलेज पास करने के एक साल बाद मेरे पास आई थी, तो मैंने अपना जो मेन समय था बाइक चलाने का वो मिस तो नहीं किया लेकिन एक समझदारी आई। और उसके बाद जब अब बाइक चलाता हूँ तो थोड़ा ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता हूँ। एंड जब मैं बाइक लेने का सोच रहा था कि मैं कौन सी बाइक लूँ, तो सबसे पहले मेरे मन में आया था कि सबसे कम दाम में सबसे अच्छी बाइक लूँगा। और उस समय मेरे मन में एक ही बाइक आया, बजाज पल्सर NS 200। बट सबसे मुश्किल बात यह थी कि जब मैं ये लेने का सोच रहा था तब मेरे ख्याल से 1 या 1.5 साल के लिए वो बाइक डिसकंटिन्यू कर दी गई थी, वो मार्केट में थी ही नहीं बाइक। तो फिर मैंने सोचा कि अब मेरे पास क्या ऑप्शन बचा हुआ है, तो मेरे पास अगला ऑप्शन था कि ड्यूक 200 ले लूँ जो कि करीब 40,000-50,000 उससे महंगा था। उसके बाद आ रहा था RS 200 जो कि 20,000-25,000 उससे महंगा था। एंड उसके बाद मेरे पास ऑप्शन था CBR 250 जो कि करीब 70,000-80,000 महंगा था। तो फिर मैंने सोचा कि अब मेरे को 200cc से नीचे जाना पड़ेगा, जो फिर सीधा 200cc से फिर 150cc पे आ जाते हैं। तो उस टाइम पल्सर 150 था और होंडा 150 था। मैं चाहता तो था कि होंडा के ऊपर जाऊं लेकिन मुझे थोड़ा स्पोर्टी बाइक चाहिए था, थोड़ा मजबूत बाइक चाहिए था। और मजबूत बाइक से कहने का मतलब ये है कि ये जो मेरा साइकिल है इसको जब मैंने लिया था तब जब मैं इसे चलाता था तो ये काफ़ी मेरा वेट को संभाल पाता नहीं था, ये टेढ़ा मेढ़ा होते रहता था। और एक बार तो मस्ती में हैंडल ही टूट गया था, यहाँ से ये आधा हैंडल अलग। तो और ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं ये इसका स्टेम है, ये पहले पूरा सीधा हुआ करता था, ये अब ये इस तरीके से हो गया। तो मैं वेट के चलते ये टेढ़ा हो गया जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता था। तो मैं चाहता था कि थोड़ा बाइक लूँ तो थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, इसलिए मैंने जो बाइक चूज़ किया उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये था कि मेरा सस्पेंशन का जो फोक है बहुत मोटा चाहिए मेरे को, जो कि मेरे को मिलता करीब FZ में मिलता 43mm का। उसके बाद FZ में मिलता 41mm का, सुजुकी गिक्सर में भी मिलता 41mm का। और उसके बाद अगर बुलेट पे जाओ तो वो मेरे ख्याल से 37mm का रहता है। सो मेरे पास एक ही ऑप्शन था जो कि था गिक्सर 150। जब ये मैंने बाइक लिया था तो ये मुझे लगभग 93,000 की पड़ी थी, जो कि लगभग 8-10,000 कम थी NS से, जो कि करीब मेरे को पड़ती 1,00,000-2,000-3,000 रुपए, जो कि उस समय के लिए थोड़ी तो हाई प्राइस थी ही। पर मैंने ये बाइक लेने के बाद एक साल तो लगा कि काश मेरे पास NS होती, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया मुझे लगा कि बाइक का ना होना ज़्यादा बुरा है बल्कि इसके कि NS होती। तो उस टाइम अगर बाइक नहीं लेता तो शायद मुझे ज़्यादा बुरा लगता, लेकिन बाइक होना ज़्यादा अच्छा है। और इसका मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि बाइक बहुत छोटी है, आप ट्रैफिक में इसे आराम से निकाल सकते हैं। तो ट्रैफिक में बाइक निकालने के चक्कर में करीब 3.5 साल बाद मेरी बाइक एक बार गिर गई, हालांकि उसमें ज़्यादा कुछ हुआ नहीं मेरे बाइक को, बस ये लेग गार्ड मुड़ा और यहाँ पे थोड़ा स्क्रैच आ गया, क्योंकि एकदम आम बात है अगर आप गिरते हैं तो।
तो मेरा तो कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं हुआ। वो लेग गार्ड मैंने चेंज करा लिया और वो जो हैंडल पे लगा था उसे मैंने वैसे ही रहने दिया। हालांकि हैंडल भी मेरी थोड़ी सी लेफ्ट साइड की मुड़ गई है, तो शुरू में तो अजीब लग रहा था, लेकिन अब थोड़ा 3-4 हफ्ते से चलाने पर आदत हो गया। हालांकि उसको भी मैं सीधा करवाने वाला हूँ। गाड़ी लेने के कुछ महीने बाद तक मैंने गाड़ी को एकदम प्यार से चलाया, कुछ भी उसमें ज़्यादा स्पीड नहीं किया। लेकिन जैसे जैसे बाइक का मेरे को आदत होने लगा, मैं स्पीड भी चलाने लगा। हालांकि ऐसा नहीं था कि मैं एकदम 150-200 भगाता था, लेकिन हर गियर को थोड़ा लंबा खींचना मुझे काफ़ी अच्छा लगता था। और जिसके चलते जब भी ब्रेकर आते थे तो मैं अपनी बाइक को उसमें सीधा चला देता था, तो ब्रेकर में सामने वाला सस्पेंशन पे बहुत ज़्यादा जर्क पड़ता था, जिसकी वजह से मेरा जो फ्रंट सस्पेंशन है उसके अंदर का स्प्रिंग काफ़ी सॉफ्ट हो गया था। जो इनिशियल ट्रैवल होता है कुछ 3-4 सेंटीमीटर का, वो एकदम फ्री था, मतलब फ्री हो गया था अभी लास्ट के एक साल में। तो उसको मैंने बहुत दिन तक सोचा कि ये कुछ ऐसी दिक्कत होगी जो अपने आप ठीक हो जाएगी, लेकिन वो ठीक होने से रही। तो आखिरकार मैंने वो स्प्रिंग ही चेंज करवा लिया, और स्प्रिंग चेंज कराने में करीब मुझे 1300 रुपये का खर्चा हुआ, जिसमें से 450 एक दो स्प्रिंग के लग गए 900 रुपये करीब। ऑयल डलवाने का भी कुछ लग गया 200-300 रुपये, और उनका जो सर्विस चार्ज है वो 200-250 रुपये कुछ लगा, जो कि मेरे ख्याल से एकदम मिनिमम चार्ज था। अगर आप एक शुरू में जाके चार्ज उसको सर्विस करवाते हैं तो मेरे ख्याल से और भी ज़्यादा खर्चा होने वाला था, लेकिन ज़्यादा खर्चा तो हुआ नहीं। हालांकि ये भी मैं कहना चाहूँगा कि जो फैक्ट्री से पहले से इंजन सस्पेंशन का जो सेटअप होके आता है और जो यहाँ पे लोग सेटअप करते हैं उसमें फ़र्क तो होता है। जब नई नई गाड़ी ली थी तो क्या सस्पेंशन था, एकदम स्मूथ हर एक पॉइंट पे, इवन उसका डैम्पिंग था, उसका कंप्रेशन था। लेकिन अभी जो मेरी बाइक आई है उसके बाद थोड़ा डैम्पिंग और कंप्रेशन में 19-20 का फ़र्क है। हालाँकि चलता है मेरे को करीब 3.5 साल हो गया बाइक को चलाते चलाते, और उसके बाद अगर 1300 रुपये खर्च करने पड़ते हैं बहुत बढ़िया। और ऑब्वियसली मैंने यहाँ पे साड़ी गार्ड हटा दिया है फॉर ऑब्वियस रीजंस। और कुछ ऐसी बातें जो मुझे इस बाइक में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, हालांकि उनका अच्छा होना नहीं होना से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है या पड़ता है, वो ये है कि ये जो इनका लेग गार्ड दिया हुआ है, ये लेग गार्ड और मड गार्ड के बीच की दूरी जो है ना बहुत कम है, तो यहाँ पे वो लेग गार्ड टकराता है और उसके वजह से यहाँ पे निशान पड़ गया है, हालांकि वो किसी को दिखता है नहीं। और दूसरी बात है वो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसका जो कैटेलिटिक कन्वर्टर है वो बहुत ही ज़्यादा मेरे ख्याल से नीचे है, तो थोड़ा सा भी बम्पर आता है तो नीचे टकराता है। हालांकि आज तक कभी मुझे ऐसा लगा नहीं कि वो टूट जाएगा, क्योंकि उसको मैं जब भी टकराता है चेक करता हूँ लात मार के कि वो हिल तो नहीं रहा है, और ऐसा कभी हुआ नहीं है। तो फाइनल वर्डिक्ट ये है कि मुझे बाइक बहुत ही अच्छा लगा। मैं अगर इससे बड़ी भी बाइक लेता तो हो सकता शायद मुझे उतनी खुशी नहीं होती जितनी मैं मुझे ये बाइक को लेके होती, क्योंकि इसका मुझे लगभग एवरेज 40 किलोमीटर पर लीटर मिल जाता है, जो कि मेरे राइडिंग कंडीशन के हिसाब से बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैं हर गियर में थ्रॉटल चलता है। तो इस कहानी के आखिरी में मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं इस बाइक को कभी नहीं बेचने वाला हूँ, इसको मैं अपनी ज़िंदगी के आखिरी दम तक रखूँगा। और ये थी इस बाइक की स्टोरी जो मेरे लाइफ में आई है। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा लगे तो लाइक करिए, और अगर आपको आगे भी देखना है ऐसे वीडियो तो सब्सक्राइब।